कि आप IRCTC का एजेंट कैसे बन सकते हो। अगर आप तो ये नॉर्मल यूजर्स के लिए अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हो तो उसमें आप एक मतलब महीने में 6 या 5 टिकट काट सकते हो। उससे अधिक आप अनलिमिटेड टिकट काट नहीं सकते हो तत्काल मतलब वगैरह मतलब जो भी है। और आपको इसमें कमीशन कोई एक्स्ट्रा मिलेगा ही नहीं। तो एजेंट मतलब बनने से बहुत मतलब फायदे हैं। और एजेंट मतलब बनने उनके लिए सबसे पहले के पास एक CSC ID होना चाहिए। तो मैं CSC ID से ही रजिस्ट्रेशन करके मतलब बताऊंगा कि आप IRCT का एजेंट कैसे बन सकते हो। तो मैं यहाँ से भी लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं अपना ID पासवर्ड देके लॉगिन कर देता हूँ। उसके बाद ये लॉगिन हो चुकी है, देख सकते हो। उसके बाद सर्च बार में सर्च करना IRCTC, IRCT सॉरी। उसके बाद लिंक पे क्लिक करना, ये रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ आपको 1,000 रुपये का पे करना पड़ेगा। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो यहाँ अपना ID फाइंडिंग कर सकते हो कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया वो सक्सेसफुल, उसका ID ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और आपका कोई रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ आके आप क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि मतलब मैं हमने जो रजिस्ट्रेशन मतलब किया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट मतलब हुआ है कि नहीं। और यहाँ अपना मेल ID एंड फोन नंबर चेंज कर सकते हो। तो मतलब मुझे अब रजिस्ट्रेशन करनी है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। और प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो ओपन हो रहा है। यहाँ अपना फादर नेम डाल दोगे, उसका DOB, मेल जो फीमेल जो भी है, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है वरना इसको छोड़ सकते हो। फोन नंबर डालना जो पहले IRCTC में यूज किया हुआ नहीं हो, वो मेल ID भी वैसा मतलब डालना जो पहले IRCT में मतलब एक भी बार यूज नहीं मतलब हुआ हो। यहाँ अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, पिन कोड नंबर, अपना एड्रेस, होम एड्रेस डाल देना, और आप जहाँ भी आपका शॉप है उसका एड्रेस फिल करना, पैन कार्ड अपलोड करना। एंड देन आपको अपलोड CSC सेंटर लोकेशन आपका, इनमें से मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है आप उसे इस अपलोड कर सकते हो। पोस्ट शॉप के भी में JPG में हो, ये होना चाहिए। और इसे एग्री पे क्लिक करके आप पे डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे पेमेंट पेज पे आप क्लिक करते हो उसके बाद ये CSC ID पे रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे। यहाँ अपना CSC ID पासवर्ड डाल लेना और पेमेंट कर लेना। तो मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ वॉलेट पे एंटर कर देना है। जैसे तो कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है और ये आपको एक रेफरेंस नंबर दे देता है जो तो कि फ्यूचर में आपको काम आएगा। आपका ID एक्टिवेट हुआ है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।